अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में गर्मी और हफ्स का राज टूट गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छा गए हैं। नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और अतराफ में बारिश हो रही है। काली घटाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। आपको बताते चले कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का आगाज हो गया है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। कराची में गर्मी और हफ्स का जोर टूट गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और अतराफ में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। काली घटाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। सुपर हाईवे M9 मोटरवे पर टूल प्लाजा के करीब बारिश हो रही है। सरजानी, लदाब टाउन, नॉर्थ कराची में भी काले बादल छाए हुए हैं। आपको बताएं कि कराची में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और अतराफ में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि काली घटाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। सुपर हाईवे M9 मोटरवे पर टूल प्लाजा के करीब बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सरजानी टाउन, गडाब टाउन और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टरों में काले बादल छाए हुए हैं। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का आगाज हो गया है। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। नाज़माबाद, गुलशन इकबाल और गुलशन मेमार समेत दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का आगाज हो गया है। काली घटाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और अतराफ में बारिश हो रही है। काली घटाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। सुपर हाईवे M9 मोटरवे पर टूल प्लाजा के करीब बारिश हो रही है। सरजानी, गडाब टाउन और नॉर्थ कराची में भी काले बादल छाए हुए हैं। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का आगाज हो गया है। कराची में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और अतराफ में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद इसहाक से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। आजम के शहर कराची के मौसम ने यकदम अंगड़ाई ली है, जिसके बाद कराची का मौसम बेहद सुहाना हो गया। अगर बात की जाए कराची के मौसम की, तो सुरमई और काले और घने बादलों का राज कराची में हमें नजर आता है, और जो कि समंदरी हवाएं अलग सुबह से शहर कराची में मुअत्तल थी वो भी बहाल हो चुकी है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाओं के झक्कर चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो कि कराची वाले हैं, कराची के रहने वाले हैं, उनके चेहरे के ऊपर जो कि खुशी है वो लौट आई है। अलग सुबह से बात कर ली जाए कराची के मौसम, तो कराची में शदीद गर्मी का राज बरकरार था। आज भी हब्स की सूरत हाल थी और पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंचा था। महसूस होने लगा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड को महसूस करवा रहा था। लेकिन इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल यह है कि कराची के मुख्तलिफ अजला में माहरीन मौसम के इन पेशनगोई के मुताबिक जो कि अब्र रहमत थी वो बरसना शुरू हो चुकी है। अगर मज़फ़ाती इलाकों की बात कर ली जाए तो काठोर हो, इसी तरीके से भेरिया टाउन हो, नया नाज़माबाद हो, सुरजानी हो, वहाँ पर हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश का आगाज़ हो चुका है। इसी तरीके से कराची के मुख्तलिफ जो के इलाके हैं, वो नाज़माबाद हो, बल्दिया टाउन हो, जैसी तरीके से औरंगी टाउन, ये मुख्तलिफ एरिया, वहाँ पर बूंदाबांदी का हम देखते हैं कि सिलसिला जारी है। कराची का मौसम बेहद सुहाना है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर कराची के शहरी मौजूद हैं, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, पूरे दिन में किस नौयत की शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा था, इस वक्त कराची का मौसम कैसा देखते हैं? माशाल्लाह, आज तो कराची का मौसम बहुत अच्छा है सुबह से। तो मज़ीद जो है ना, दो महीने से जो बरकरार जो गर्मी थी हब्स थी, उन्होंने तो हमारी जानें निकाल दी थी। और आज जो है ना मौसम अच्छा है, इसलिए हम घर से भी निकल के आए हैं थोड़ा पिकनिक के हवाले से, ताकि जो है ना इन्जॉयमेंट कर सकें, मौसम इन्जॉयमेंट कर सकें। अच्छा, कराची वाले बारिश के मुंतजर हैं, ज़रा बताइएगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि गर्मी ने तो हमारी बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी थी, इसलिए बस बारिश का इंतजार था। अल्लाह करे जल्दी से रहमत की बारिश हो जाए। अच्छा, बिल्कुल, कराची वाले यकीनी तौर पर मुंतजर नजर आते हैं कि जमकर अब्र रहमत बरसे चुके हैं। शहर कराची वालों को, कराची में बसने वालों को
12 में से 9 माह लगभग शदीद गर्मी का सामना हैं, तो बारिशें उनको मैसर आती हैं। तो आप कराची वाले मुंतजर है कि कुछ भी हो, बारिशें बरस जाए, ज़मीन की जो कि गर्मी है वो निकल जाए, हफ्स की कैफियत टूट जाए, अब रहमत जमकर बरसे, खुलकर बरसात हो, सावन बरसे, जिसके बाद वो सुख की सांस ले और शदीद गर्मी से कराची वालों की जान छूटे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद इसहाक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।